हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आ गए हैं करोल बाग, और आप लोग भी ये नाम सुने होंगे सरस्वती मोटर्स का। तो आज हम इनके शोरूम पे आए हुए हैं, और आज के इस वीडियो में सनी भी हमारे हेल्प करने वाले, ये बताने वाले हैं क्या कुछ कितना किलोमीटर ये बाइक चली और कौन सा मॉडल और प्राइस कितना होने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सनी भैया चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सा मॉडल से आइए फिर डेटोना से स्टार्ट करते हैं। ट्रैम की डेटोना है, 2017 मॉडल है ये, फर्स्ट ओनर बाइक है, यूपी रजिस्टर है ये, चली हुई है कम से कम 23,000 गाड़ी चली हुई है। अच्छा, ये मिल जाएगी आपको 725,000 में भी गाड़ी आपको मिल जाएगी। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद नेगोशिएबल हो जाता है? बिल्कुल विद नेगोशिएबल। अच्छा, और ये जैसे नंबर ट्रांसफर और नाम ट्रांसफर वो सारा कुछ हो जाएगा? सब कुछ करवा के देंगे, उसके चार्ज लगते हैं अलग से। सीसी की है और ये 675 है, 675 सीसी की बाइक है। न्यू में इसका कितना प्राइस रहेगा? न्यू में कम से कम 12 लाख रुपए नहीं आएगी, और यहाँ पे 7,25,000। अच्छा, उसके बाद सेकंड अगर हम चले तो इसमें सिर्फ एक ही कलर है? एक ही कलर है इसके अंदर, ये कावासाकी है Z650, 2018 मॉडल है ये, फर्स्ट ओनर बाइक है, डीएल रजिस्ट्रेशन है, पूरी स्टॉक बाइक है, सिर्फ क्रैश गार्ड लगे हुए इसके अंदर। मतलब एग्जॉस्ट वगैरह सारा स्टॉक का ही है? सब स्टॉक जो कंपनी से आता है ना वही लगा हुआ है। और जैसे जैसे आफ्टर स्टॉक जो लगवाते हैं साइलेंसर वगैरह बाहर से जो लगवाते हैं, तो उस पर तो चलान वगैरह है? एग्जॉस्ट सब पे चलान होता है, अगर अपने ऊपर बात होती है आप कैसे गाड़ी चलाते हो। और जैसे अगर आपने लगाया हुआ आफ्टर मार्केट, अगर उसको चाहिए किसी को कि नहीं, जो कंपनी से फिटेड आता है, अगर कस्टमर हमारे पास दे के जाता है एग्जॉस्ट, हम उनको प्रोवाइड करवा देंगे। अच्छा, नहीं तो फिर जो लगा हुआ है वही सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कौन कौन सा मॉडल है, मतलब आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आप? यहाँ पे हार्ले है, हार्ले में सारी गाड़ियाँ, फैट बॉब हो गई, रोस्टर हो गई, और स्ट्रीट हो गई है, कावासाकी है, निंजा है, 10R मिल जाएगी आपको, Z900 मिल जाएगी, गुस्सा है, 14R है, सही गाड़ी मिल जाएंगी। तो अभी हो गया है दोस्तों कौन का, और हो गया कावासाकी का। किलोमीटर में आपको बता दूँ 12,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर बाइक है, 2018 मॉडल है, ये मिलती है आपको 475 की। नए में इसका कितना नई कीमत की है इसकी? कम से कम 7.5 के करीब आती है इसकी, 7.5 लाख रुपए कुछ आता है प्राइस का। और इसमें सिर्फ वो क्रैश गार्ड लगा है? सिर्फ क्रैश गार्ड लगा हुआ है इसके अंदर, और कुछ नहीं लगा, बाकी सारा जो कंपनी फिटेड आता है वही सारा स्टॉक है। अब आते हैं हार्ले पे, आ जाओ हार्ले का बता। आरले स्ट्रीट रॉड 2017 मॉडल, मार्केट में एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर, और कुछ नहीं लगा हुआ इसके अंदर, बाकी सारा कंपनी फिटेड है, सब कुछ कंपनी से फिटेड है। ये मिलेगी आपको 4,75,000 रुपये की, नई बाइक आती है 8.5 लाख रुपये कुछ की आती है। बाकी जैसे कि भैया ने पहले बताया कि नाम ट्रांसफ़र और नंबर जो ट्रांसफ़र वगैरह सारा कुछ ये लोग करवा देंगे, उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इसमें ये इंक्लूड नहीं रहता, इसमें सिर्फ बाइक का आपका बाइक सारा कुछ मिलता है, बाकी नेगोशिएबल हो जाएंगे जो भी होगा। तो ये देखने में तो सेम ही लगता है, तो डिफरेंट कैसे पता चल पाता? जैसे मतलब कलर से तो ये सेम लग रहा है, कलर सेम लग रहा है, मॉडल का फर्क होता है, अच्छा उसका फेयरिंग का फर्क होता है बाकी। और इसमें क्या नाम है, 4,000 ये चली हुई है, 4,000 किलोमीटर चली हुई है, एकदम ब्रांड न्यू बाइक है, एक रुपये लगाने की जरूरत नहीं है, पसंद करो गाड़ी और सीधा लेके जाओ बस, और कुछ नहीं करना आप। अच्छा, डाउन पेमेंट का क्या रहता है? डाउन पेमेंट जैसे आपको किसी को भी फाइनेंस करवानी होती है, डाउन पेमेंट होती है 30%, जितनी की भी हमारी डील बैठती है उसकी 30% डाउन पेमेंट होती है, 70% फाइनेंस होता है, ये फाइनेंस की स्कीम बैठती है, ओनली दिल्ली के लिए फाइनेंस हो रहा है। अच्छा, और जो कोई बाहर का भी कोई बंदा होगा तो सिर्फ दिल्ली का एक गारंटर देना होगा, फाइनेंस हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली का किसी का भी गारंटर देगा तभी हो पाएगा? गारंटर देना होगा, फाइनेंस हो जाएगा। जैसे बाहर से भी कोई आता है तो अगर लोन वगैरह पास हो जाता है तो उसको आप लोग पार्सल करवा देते? बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से भी कोई हमारा अगर कैश का कोई कस्टमर होता है, कैश में गाड़ी लेना चाहता है, तो बाहर से हमारे हम उसको वीडियो कॉलिंग पे या तो फोटो दिखा के गाड़ी की फोटो उसकी बिल्कुल सेटिस्फाई करके कि हाँ गाड़ी ओके है, पेमेंट अपने अकाउंट में डलवा के उसके बाद हम उसको गाड़ी ट्रांसपोर्ट करवा देते। ठीक है, सेकंड चलते हैं फिर दूसरे में। ये रोस्टर आती है 1200 cc में, हार लेगी किलोमीटर 10,000 किलोमीटर चली है, 2017 मॉडल है, फर्स्ट हैंड गाड़ी है, सिटी लाइट लगी हुई है इसके अंदर, स्टॉक बाइक है। इसका नंबर प्लेट का कहाँ पर? 4 रजिस्ट्रेशन है। इसका प्राइस का क्या बता रहे हैं? प्राइस मिलेगी आपको ये 7 लाख रुपये। नए में क्या है इसका? नहीं आती है एकदम, 12.5-13 की उसकी नहीं है, 1200 cc।
और तो यही सारा कुछ तो बताना, और तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कुछ नहीं होता इसमें ज़्यादा स्टॉक ज़्यादा एक सीरीज लगी नहीं, सिर्फ एच डी लगी हुई लाइट है सिर्फ, बस यही है और कुछ नहीं। ठीक, तो ये जो बोल रहे हैं इसका इसका कितना लाइट का पड़ जाता है? ये कम से कम आपकी कम से कम 4-5 हज़ार का लाइट लाइट है, सिर्फ 4-5 हज़ार। और ना मतलब इसका जो ब्राइटनेस है वो भी तगड़ा होता है? तगड़ी वाइट होती है लाइट, हाई लाइट होती है। ये तगड़ा मशीन लग रहा है, मतलब ये पूरा फैट बॉय है, हार्ले की फैट बॉय। और ये यूके का मतलब उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो बता रही है तो जो बाइक खड़ी है या सेम कलर यही सारा मिलेगा? यही मिलेगा बिल्कुल आपको, एक्स्ट्रा में अभी मतलब दो तीन कलर ऐसा कुछ नहीं है? कलर कुछ नहीं है, कलर इसमें सिर्फ एक पुराना मॉडल है 2017 का, वो खड़ा ब्लैक कलर। अच्छा, ये लेटेस्ट मॉडल है 2020 का। ये 2020 का? 2020 है 2017, दोनों सेम है, फैट बॉय फैट बॉय। वो ब्लैक कलर है, ये थोड़ा सिल्वर कलर है, वो 2017 मॉडल है, ये 2020 है लेटेस्ट मॉडल। ये 3 हज़ार चली हुई है, वो कम से कम चलिए आपकी 60-70 हज़ार चली हुई गाड़ी सर। तो ये 3 हज़ार फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट हैंड गाड़ी है। कितना अभी आस्किंग प्राइस है आपको? 1675। और नए में क्या है? नई गाड़ी कम से कम 18-19 की है गाड़ी, 1675। 3 हज़ार किलोमीटर? 3 हज़ार किलोमीटर बस। यार ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे मतलब जो बाइक आप देख रहे हैं ज़्यादा मतलब किलोमीटर चली नहीं है, मान के चल सकते हैं ब्रांड न्यू आपको बाइक मिल जाती है, क्योंकि 3000 किलोमीटर अगर आप देखते हैं तब एक महीने जो नॉर्मल बाइक होता है एक महीने से वो राइड कर ही सकते हैं, जो अच्छा खासा राइड करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का भी डाउट होता है तो आप सीधा कंपनी ले जाओ, कंपनी रिकॉर्ड चेक कराओ, उसके बाद आप सेटिस्फाई होते हो कि हाँ गाड़ी ओके है, तो आप गाड़ी लो, नहीं तो मत लो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने तरफ से फुली सेटिस्फाइड हो जाइए, उसके बाद ही आप यहाँ से आके ले सकते हैं। बाकी जो प्राइस है वो प्राइस थोड़ा सा कम ऊपर नीचे हो जाएगा भैया यहाँ पे कर देंगे, बाकी आप अगर बाहर से भी लेते हैं तो कैश में लेते हैं तो वो सारा कुछ आपको हो जाएगा, बस दिल्ली का आपको ग्रांटर देना जैसा कि भैया ने पहले बता दिया है। तो इसमें स्टॉक जो है सारा कुछ सिर्फ आपके एग्जॉस्ट लगे हुए बाहर से, वेंस नाइज के फुल सिस्टम लगा हुआ है, तो कम से कम 70-80 हज़ार रुपये के वेंस नाइज आते हैं। क्या क्या वेंस नाइज? एग्जॉस्ट। अच्छा एग्जॉस्ट का? अच्छा सिस्टम बाकी स्टॉक बाइक। ठीक है, नेक्स्ट बाइक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसी का भी फैट बॉय 2017 मॉडल है वाली। ठीक है, तो ये 2017 मॉडल ये मिलती है आपको 10.5 लाख रुपये। नए में कितना था इसका प्राइस? नई ये गाड़ी कम से कम 17-18 लाख रुपए की बाइक है। किलोमीटर कितना बताया? किलोमीटर कम से कम 60-70 हज़ार चली हुई है। 60-70? हाँ जी। आस्किंग प्राइस का कितना बता रहे हैं? आस्किंग है इसका 10.5 लाख रुपए, बाकी विद नेगोशिएबल है, जो भी होगा बैठ के डील हो जाएगी। ठीक है, सेकंड चलते हैं। ये अभी आप जितना देख रहे हैं ये सारा बाइक, ये अभी आप क्रूजर में देख रहे हैं? हाँ, हार्ले में देख रहे हैं। हार्ले में क्रूजर सबसे एक अलग ही ब्रांड है, अलग ही नाम इन्होंने कमाया। बाकी अभी फुल जो स्पोर्ट्स बाइक होते हैं फेयरिंग वाले उसके भी हम जानने वाले हैं, निंजा वगैरह है। बाकी अंदर में भी आपको कावासाकी की जो जेट 650 वगैरह है और हायाबुसा है वो सारा कुछ आपको अंदर दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं, उससे पहले इस मॉडल की तरफ, ये कौन सा हार्ले का ही दूसरे मॉडल की तरफ अगर हम चलते हैं तो भैया बताएं। ये हार्ले का स्ट्रीट रॉड जो पहले हमने दिखाया था एक वहाँ खड़ी हुई थी, ये वाली 750 जो है 750, ये भी स्ट्रीट रॉड 750 है, सेम मॉडल है 2017 का, सेम प्राइस 4,75,000 रुपये। अच्छा, मतलब दो मॉडल है? दो मॉडल है, दोनों कलर है ब्लैक। 2017 के मॉडल है, ये कम से कम अभी 12,000 चली हुई गाड़ी है। और वो वाले कितने किलोमीटर चले थे? चलिए 4,000 सेम मॉडल, बस ये 12,000 किलोमीटर चल रही है। और इसका जो प्राइस बता रहे? सेम प्राइस है 4,75,000। अच्छा, तो मतलब सेम प्राइस किलोमीटर ज़्यादा है, ऐसा क्या क्या हो गया? गाड़ी का किलोमीटर मत देखो, कुछ मत देखो, सिर्फ इंजन देखो। अच्छा, गाड़ी का इंजन बढ़िया होना चाहिए और कुछ नहीं होता है, इंजन बढ़िया था तो सब कुछ ठीक है। और सब गाड़ियों पे आपको 6 महीने की इंजन की वारंटी देते हैं हम, अपनी तरफ से इंजन इंजन की, अगर इंजन में कोई भी दिक्कत आती है तो हम करा के देंगे। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट बाइक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीट 750। ये भी स्ट्रीट 750? स्ट्रीट 750 है, रॉड है, ये सिर्फ स्ट्रीट है नॉर्मल जो पहले आई थी बाइक। अच्छा, मतलब इसके ऊपर वाला मॉडल ये होता है? ठीक है, तो इसका क्या मॉडल है? ये मिलती है आपको 2,75,000 रुपये, चली हुई आपकी 2,000 किलोमीटर। और नए में इसका क्या प्राइस है? नहीं, ये डिसकंटिन्यू हो गई है भाई। अच्छा, ये अपनी आ रही गाड़ी, पहले कितना होता था? पहले तो इसका 6.5 लाख रुपए। तो प्राइस के हिसाब से हार्ली डेविडसन 2,80,000 बता रहे हैं। 2,75,000 रुपये 2015 मॉडल
सेकंड ओनर बाइक है, सेकंड हैंड बाइक है। ठीक है, और इसमें ये क्या है, मतलब स्टिकर वगैरह? ये हार्ले का ही लगा हुआ है, हार्ले से ही लगा हुआ है। अच्छा, कंपनी से? अच्छा, पुराने मॉडल में इस तरह का आता था कलर? लगवा रखा है कस्टमर ने, आती तो सिर्फ सिंपल दी ऐसी बाइक है, ये लगवा रखा है कस्टमर। अच्छा, ठीक है जी। इसके अंदर जो स्टॉक, इसमें भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है कंपनी से, उसका बाहर का, बाकी सब बैकरेस्ट लगा हुआ है। अच्छा, ये आफ्टर मार्केट है? ये आफ्टर मार्केट है। अच्छा, ये सारा कुछ मिला के 2,75,000 हो गया। बिल्कुल। नेक्स्ट बाइक की तरफ चलते हैं, तो ये हार्ले का ही दूसरा मॉडल है, अभी आप हार्ले के देख लीजिए, उसके बाद हम स्पोर्ट्स बाइक में जाते हैं, तो भैया बताएंगे। 2017 ABS मॉडल है ये, नॉन ABS है। अच्छा, ये ABS है। तो जैसे स्पोर्ट्स बाइक में ABS का रहता है स्टिकर, इसमें कहाँ पे कुछ स्टिकर? इसमें स्क्रीन पे आता है, यहाँ पे आता है, स्टिकर नहीं है ये ABS, ये लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, ये आ रहा है ABS। ये RJ नंबर है, राजस्थान रजिस्ट्रेशन है। ये मिलती है आपको 375,000 रुपये। कौन सा मॉडल है ये? 2017। किलोमीटर का बात करें तो किलोमीटर चलिए 7,935 किलोमीटर चली हुई है, पूरी स्टॉक बाइक है, कुछ नहीं लगा हुआ इसके अंदर। कंपनी फिटेड जो आया है सेम आपको, सेम टू सेम मिल जाता है, एग्जॉस्ट वही लगा हुआ है इसके अंदर। तो किसी एक बाइक का भी साउंड सुनेंगे आगे जाके? साउंड सुना दूंगा आपको, एक 2018 मॉडल। ठीक है, ये चलिए आपकी 5,176 किलोमीटर चली, 5,176 किलोमीटर चली, 2018 मॉडल है, फर्स्ट ओनर बाइक है, स्किमिल का एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर, आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट। ये मिलेगी आपको 4,500,000 रुपये। तो ठीक है भैया, एक तो अभी हम लोग का हार्ले डेविडसन का हो गया, तो किसी एक का इसमें साउंड सुना दीजिए, बाकी एक भी स्पोर्ट्स। तो अभी हम लोग का जो क्रूज़र का था वो सेटअप ख़त्म हो गया, अभी हम चलते हैं स्पोर्ट्स बाइक की तरफ, और ये है कावासाकी की, जिसको आप कलर देख के पहचान सकते हैं, ZX10R। ठीक है, 2020 मॉडल है। अच्छा, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, 2020 का मॉडल है, हनीकॉम एडिशन है। अच्छा, ये मिलती है आपको 1475 की, सिर्फ ओनली 3,000 रन है, 3,000 चली हुई है सिर्फ, 80 का फुल सिस्टम लगा हुआ है एग्जॉस्ट। ये तो काफ़ी महंगा आता है एक्सीरीज, इसके अंदर एक्सेसरीज कम से कम 2,00,000 रुपए की एक्सेसरी लगी है बाहर से। क्या 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 लगा हुआ है? रैश गार्ड है, एससी के लगे हुए, इसके अंदर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, टैंक पैड लगा हुआ है, टैंक ग्रिप लगी हुई है। तो नए में इसका लगभग 19-20,000 तक का, 19-20 लाख का प्राइस है ना? ये कम से कम मिलती है आपको 17,00,000 रुपए की, नहीं आती है। नहीं नहीं, हम दे रहे हैं आपको 1475 की विद एक्सेसरीज, 2,00,000 रुपए की एक्सेसरीज लगी है। अच्छा, एक्सेसरीज लगते तो ज़्यादा ये चली भी नहीं है, आप मान के चले ब्रांड लिए हुए, और आपको 3 से 4 लाख का कम प्राइस में आपको देखने को ये मिल जाता है। तो इसका एक बार साउंड सुना दीजिए मुझे, क्योंकि इसका साउंड सुनना बनता भी है। तगड़ी साउंड है भाई, इसमें आप कैमरे में आपको माइक का कैमरा जो है इसमें आपको समझ में आया होगा नहीं ये पता नहीं, बट साउंड जो है तगड़ा साउंड है, दिल को छू जाता है इसका सिर्फ साउंड। रॉयल फील्ड में 650 आती है इंटरसेप्टर, 2021 मॉडल है ये, मार्च की गाड़ी है, अभी एक साल भी नहीं हुआ है, एक साल भी नहीं हुआ, होने वाला है दिसंबर खत्म, मार्च में होगा, मार्च में होगा एक साल, 3,50,000 रुपये कुछ की नई बाइक है। ठीक है, ये हम आपको 285 में देते हैं।
विद नेगोशिएबल, वो भी अच्छा। सिर्फ 3000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, पूरी स्टॉक बाइक लगी हुई है। जो भैया जो बता रहे 3000 किलोमीटर, अगर आप किलोमीटर आप देखते हैं तो ये कुछ भी नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि सेकेंड हैंड जो बाइक है, सुपर बाइकों में 3000-5000 तक का कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं भाई इतना किलोमीटर चल गया, ये इतना पुराना हो गया, कुछ नहीं होता भाई। अगर जो राइड करते हैं ना उनको पता है कि ये कुछ नहीं होता है। एक एक दिन में भाई बंदा यहाँ 500-1000 किलोमीटर राइड करता है, ये 3000 है तो मतलब कुछ भी नहीं है। और आपको उतने कम प्राइस में मिल जाता है, नए से अगर आप कंपेयर करें तो आपको बहुत ही सस्ते में न्यू बाइक है, ब्रांड न्यू बाइक है एकदम। सिर्फ इसमें इंजन गार्ड लगा हुआ है। ठीक है, बात ये मतलब आप लोगों ने लगाया कंपनी बंदे? बंदे ने लगा हुआ है जिसके पास थी गाड़ी, कंपनी से कुछ नहीं आता लगा हुआ। कंपनी से आपको फिर भी इसमें लैग गार्ड लगवाने पड़ते हैं, इसके भी लगते हैं पैसे, लगते हैं अलग से। ठीक है, अब आते हैं जीटी पुराने वाली। ठीक है, ये पुरानी मॉडल है, ये जीटी है 535 2015 मॉडल। अभी तो ये सारा कुछ डिसकंटिन्यू है, ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है गाड़ी। फिर भी अभी भी रॉयल इनफील्ड के दीवाने भाई ये भी बाइक अभी भी खोजते हैं, तो आपको सरस्वती मोटर्स में यहाँ पे मिल जाएगा। ये गाड़ी आपको मिल जाती है 125000 रुपये। अच्छा जी, पहले कितने का आती थी? पहले होती थी इसका ये मान के चलो 2.5-3 के करीब आती थी गाड़ी, 6000 किलोमीटर चली हुई है ओनली, जेन्युइन मीटर है, कंपनी में आप चेक करा सकते हो, 6000 चली हुई है ओनली, 6900 स्टॉक बाइक है पूरी। यूजर बाइक तो देख लिया, अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स बाइक की तरफ, जो कि है सबसे नामी जानी नाम, जो बच्चा बच्चा और बूढ़े महिला सब को जानता है, जो कि है सुजुकी हायाबुसा, जो कि है धूम से जबकि ये फेमस हुआ है अभी तक ये कंटिन्यू इंडिया में इसका क्रेज चला ही है। तो ये इसका बता दीजिए डिटेल्स क्या कुछ। 2015 मॉडल है ये वाली। ठीक है, हायाबुसा ये सेकंड हैंड बाइक है, सेकंड ओनर बाइक है, ये मिलेगी आपको 10,25,000 रुपये। कौन से मॉडल था सर? 2015 मॉडल। 2015 लगभग 6 साल पुरानी है, और आपको 24,000 चली हुई है, 24,000 10,25,000। ठीक है, और ये एक चीज़ और ये पूछना, जैसे यहाँ पे जो मिरर वगैरह है तो ये लगा के मिरर आपको सब लगा के देंगे, मिरर हो गई, पीछे की लाइट हो गई, ये सब आपको लगा के देंगे। ठीक है, तो उसी में जितना प्राइस बताए वही उसी में सब कुछ आपको डिटेलिंग विटेलिंग करा के देंगे आपको। सेकंड चलते इसकी तरफ, ये तो डिसकंटिन्यू मॉडल है बट अभी भी ये मतलब इसका अलग ही क्रेज है, देखने में सामने से गजब ही लग रहा है। 2015 मॉडल है ये भी, इसके 10,000 किलोमीटर को चली हुई है, ये मिलेगी आपको 10,50,000। इसका कितना बताया? 10,25,000-10,50,000। अच्छा, सिर्फ 25,000 का फर्क है। बिल्कुल, और बाकी दोनों में फुल फेयरिंग है, दोनों ही अलग नेक्स्ट लेवल की बाइक है। हाँ जी, कस्टम एग्जॉस्ट लगे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, ये एग्जॉस्ट का कितना प्राइस रह जाता है? इसके एग्जॉस्ट कम से कम आते हैं 40-50,000 रुपये। अच्छा, इसमें जो हायाबुसा है इसमें क्या कुछ लगा? एससी का एससी लगा हुआ है इसके अंदर, कस्टम का एक। ठीक है, हाँ जी, और कुछ? और कुछ नहीं लगा हुआ, क्रैश गार्ड लगे हुए हैं इसके अंदर, क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, क्रैश गार्ड और एग्जॉस्ट। और इसमें एग्जॉस्ट लगेगा सिर्फ और ओनली स्टॉक बाइक।